नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। पंजाब के अलग अलग हलकों से होते हुए फिलहाल हम पहुंचे हैं श्री खडूर साहिब विधानसभा सीट पर। राजनीतिक रूप से इस सीट का काफ़ी महत्व है, स्थान का धार्मिक रूप से भी काफ़ी महत्व है। आप देखेंगे कि बड़े यहां पर गुरुद्वारे हैं और काफ़ी आस्था यहां पर है। धार्मिक रूप से इस स्थान को काफ़ी महत्व दिया जाता है और राजनीतिक रूप से भी एक महत्वपूर्ण सीट ये है, इसीलिए हम यहां पर पहुंचे हैं ताकि यहां के स्थानीय लोगों से हम जान पाएं कि इस बार माहौल यहां पर क्या बन रहा है। सिंह साहब, कैसे हैं आप? एक गलत अफसोसान हूँ क्योंकि चुनाव आ गया है, इस सीट पर क्या राजनीतिक माहौल बन रहा है इस बार? राजनीति माहौल क्या बन रहा है, राजनीति ने क्या दिया जाके की जाएगा? हमने लोगों ने जो है गोभी बेचना है और क्या कर रहे, राजनीति कोई सही थोड़ा था। मगर क्योंकि आप लोग वोट डालेंगे तभी कोई नेता विधायक बनता है, इसलिए आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें हो जाती है। चुनाव में वोटर जब तक अपना निर्णय देगा तभी कोई सत्ता में पहुंचता है। लगता है कि कोई पार्टी ऐसी है जो पंजाब का या खडूर साहिब का जो विकास कर सके, खडूर साहिब के लिए बेहतर हो, कोई पार्टी आपको लगती है? अभी तो कोई नहीं लगती। अच्छा, क्योंकि ये पहली इतना 70 साल में नहीं विश्वास रहा, जब कितना विश्वास इतना जल्दी आ जाएगा पार्टी का किसी का? अच्छा, ये 70 साल में नहीं आया, अब कैसे आ जाओ इतना जल्दी? अब की बार तो क्योंकि पहले तो आपके पास ऑप्शन कम थे, कम पार्टियां थी, अब की बार तो पार्टियां भी बहुत होगी, देखो क्या बनता है। अच्छा, जो बनेगा ठीक है, माहौल देखेंगे। माहौल देखेंगे ये नहीं जी, कुछ और जो लोग हैं उनसे जानते हैं। कैसे हैं आप? हाँ जी, क्या नाम है आपका? बाबा लखा। बाबा लखा जी, ये बताएं मुझे कि राजनीतिक माहौल क्या बन रहा है, अब की बार किस पार्टी की सरकार बना रहे हैं? ये ना मेरी गाल सुनो। हाँ जी, मैं तेरी गाल कर रहा था। अच्छा, जो मैं गाल कर दी पहले साल में गाल कर ली मैं दरबार, मेरे को नहीं वो तवा वाला लाने एक दूजी पार्टी, तुम इधर गल करा लो दूजी पार्टी आ गई। हाँ, चलिए आप बताओ। हाँ, अं तो चाहते हाँ कि आम पार्टी सरकार होवे, क्योंकि दूजी ना कांग्रेस तो ना अकालिया ने बेड़ा गर्क कर दिता। कांग्रेस ने भी कहा, अकालिया भी कहा, नशे बंद हो गए, मेरे नाल चलो हुणे ही हुणे तुहानू नशे भी डब्बे तो मुंडे भी वेखो भी कितना लम्मे पे हुणे इस टाइम पर भी कहिंदे नशा बंद हो। मैं तो कहना आ पुलिस वाले चौंकियां थाने सारे पैसे लैके छड्डी जांदे, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, कहदे कि नशा बंद हो गया कि किन्नी लोगों को, किन्नी लोग इस टाइम तो आप अपने मंत्री के घर बैठे आ, लोगों को रोटी खानी मां भार हुई आ, भारी 300 रुपया दिहाड़ी ही मजदूर दी। आपको लगता है कि अब तक इन चीज़ों के लिए काम नहीं हुआ? नहीं, आप कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी तो पार्टी है जी, अं उन्होंने चाहते हैं भी मतलब तीसरी पार्टी वेखना चाहिए वा भी गाड़ी की करती है। हुण गाड़ी आप वेचते वड़ के वेख्या ही नहीं आ भी उन्होंने अपने नाल किदा किदा नहीं, पर आप कहते भी तीसरी पार्टी कम से कम आप वेखिए तो सही देखना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हाँ मैं चाहता हाँ मेरे कला बंदा वा, मेरे घर बकरी एक पठोरे बेच के नकली नोट दे गए, नकली नोट चौंकी च जमा वा, कोई सुनता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई नहीं सुनवाई, कोई सुनाई नहीं, तो फिर कौन करेगा सुनवाई? क्या लगता है कि कौन सी पार्टी सुनवाई कर सकती है? ये नहीं है, ये क्या लगता है तो ये गवर्नमेंट दे बंदे जे। कैसे हैं भाई साहब आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक बात बताओ, चुनाव आ गया है, क्या माहौल बन रहा है पंजाब में? पंजाब का अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी तो किसान का आंदोलन खत्म हुआ, उसके बाद ही कुछ देखो क्या बनता है। तो आंदोलन खत्म हो गया, वो आ जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आए तो बेहतर होगा? इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, ये तो जब मतलब एग्जिट पोल का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। हाँ, उसके बाद ही कह सकते हैं, एग्जिट पोल में जो बताएंगे उसके बाद आप तय करेंगे कि क्या हो। नहीं, तय नहीं करेंगे, वो तो मतलब अभी हमने कुछ तय नहीं किया है। अभी देखो, अभी सभी पार्टियाँ अपना अपना मैनिफेस्टो करेंगी, उसके बाद ही अब जो वोट डालता है। पार्टियों ने तो तकरीबन मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं, कोई गारंटी दे रहा है, अकाली ने इतनी लंबी फेयर लिस्ट बना दी, तो तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी बातें बता रही हैं, उनमें से किसी पर विश्वास हो रहा है आपको? नहीं, पार्टी पर अभी हमने कोई ऐसा डिसाइड नहीं किया है। देखो, अभी आगे अभी किसान आंदोलन के बाद कैसी अभी राजनीति होती है, हर एक पार्टी अपना 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 मुद्दा उठाएगी, क्या करेंगे हम उसके बाद,
तो जो भी पब्लिक के हित में होगा, जिस जो पार्टी इच्छा करेगी उसके साथ में हम वोट डालेंगे उसके। आप क्या चाहते हैं वीर जी, बताएं मुझे। आप युवा हैं, अगर आप बोलेंगे नहीं तो फिर बात कैसे बनेगी, क्योंकि आप लोगों की तो भूमिका अच्छी है। बोलने से परहेज मत करो, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं तो फिर कैसे बात बनेगी। बोलोगे नहीं तो लीडर फिर फायदा उठाएंगे, पार्टी फायदा उठाएंगे। आप वोट डालें, समझ के डालें। बताएं बाबा आप क्या चाहते हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई कैसे बात बनेगी खंडूर साहिब में, बताएं। मेरे आप तो बताओ अपने मन की, कुछ नहीं, नथिंग। ये बड़ा अजीब वो है कि बोलते नहीं हैं लोग, जब तक बोलेंगे नहीं तो बात कैसे होगी, कैसे पता चल पाएगा कि अब की बार किसकी सरकार। ये जो लोग बाग हैं बोलने से परहेज करते हैं। सिंह साहब कैसे हैं आप? एक बात मैं जानना चाहता हूँ, चुनाव आ गया है, क्या लगता है कि अब की बार किस पार्टी की सरकार? देखो जी गल इदा, आपने ये बारे कोई ज्ञान नहीं, आप तो यो कुछ करना जो कर रहे हैं। वो तो ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो तो आपकी मेहनत है, लगन है, आपका काम है, मगर राजनीतिक रूप से, क्योंकि वोट आप भारी गल सुनो, सानू तो दहानुआ की किरत करके खानी पैनी है। सानू नहीं पता भी कि सरकार आए कि ना आए, जी आओ चली जाओ चलाई चलेंगे, कोई सानू ये कोई मतलब नहीं कि आँदी है कि नहीं आँदी। सानू तो यो दहानुआ की मेहनत करके ही रोटी खानी पैनी है। वोट डालते हैं आप? वोट बिल्कुल पाई दी है। हाँ जी, वोट डालते हैं जब क्या चीज़ें देखते हैं? पता गल की जे वो समा आते वेखा की हिसाब किताब आ, की गलबात है, एवं तुम कह दी भी कौड़ी सरकार आनी चाहिए। सरकार सारिया वेखी सारे का हिसाब किताब, सत श्रीकाल ही है बस। बाकी आप भाई दहानों की किरत खाने रोटी खानी, बस कोई मुद्दा नहीं अपना इस चीज़ का। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है साहब, जिसको जैसा लग रहा है वैसा ही वो लोग कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर सिंह साहब हैं, उनसे जानते हैं। सिंह साहब कैसे हैं आप? एक बात जाननी है। हाँ जी। मुझे बताएं, राजनीतिक पार्टियां आपके बीच में आ रही हैं, अलग अलग तरह की बात कर रही हैं, किसी पे विश्वास हो रहा है, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार बनाएंगे? दो पार्टी तो विश्वास नहीं है। अच्छा। दो कौन सी? काली पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अच्छा। इन पर विश्वास नहीं रहा। नहीं। तो फिर अब आगे झाड़ू वाली सरकार, उसको देखेंगे। हाँ जी, उससे उम्मीद नजर आती है कुछ? हाँ, लगता है कि खडूर साहब का कुछ विकास करा पाएंगे वो? ये तो प्रधानमंत्री बनेंगे या एमएलए बनेंगे भगवंत मान जी, ये तो जरूर करेंगे। अच्छा। हाँ जी ठीक है। हाँ, भगवंत मान के अलावा किसी को चेहरा बनाती है सीएम का तो वैसे में? भगवंत मान को? भगवंत मान के अलावा नहीं? नहीं नहीं। अच्छा, भगवंत मान को बनाएंगे तो ठीक रहेगा? ठीक रहेगा। अच्छा। नहीं तो कोई भी नहीं है। क्या बात है? हाँ बताइए। जेड़ी झाड़ू वाली सरकार आना आएगी, कुछ करेगी, नए काम है, नई पार्टी है, ये तो पुरानी पार्टी है, लारा सभी लगाते हैं। अच्छा। सभी लारा ही लगा रहे हैं। अच्छा, चन्नी साहब भी आए हैं, अभी काम करेंगे, मुड़ के मिलेंगे नहीं। अभी कर रहे हैं कुछ? अभी तो एक दो काम किए हैं, बाकी नहीं। अच्छा। गा नहीं, इसलिए आप नए को मौका देना चाह रहे हैं? हाँ, नए को मौका देंगे। एक गल दसो सानू कि चुनाव आ गया, अब की बार खडूर साहिब के लोग क्या सोच रहे हैं, वोटर क्या सोच रहा है कि अब की बार किसकी बारी? अजे तक तो कोई किसी का मन नहीं जापता साढ़े, तो यो ही पहला तो अजे किसान हैगा, हूँ वो मुक्का वा, तो कोई अजे किसी का भी स्पष्ट नहीं जापता भी कोई कोई जेतू होगा। तो कोई पार्टी आपको ऐसी ठीक लगती है इनमें से, क्योंकि अब की बार तो पार्टियाँ बहुत हैं आपके पास, ठीक है, आपको लगता हो कि साहब ये ठीक है अब की बार तो इसको बनाते हैं? अजे तक तो ठीक कोई भी नहीं लगा, कोई भी नहीं लगा, क्योंकि कालिया नू वेख लिया, कांग्रेस नू वेख लिया। अच्छा। आप वालियां दा भी वेख लिया, बिहार किहो जिहा इत्थे कोई तो का लीडर है नहीं, कोई भी सारे ही जो भी लीडर हैगे आ नवे सौ नवा वा, तो कोई जापदा नहीं गा, कोई काम करने वाला कोई तजर्बे वाला हो तो फिर ही काम करेगा, कोई कोई तजर्बे वाला होगा, जिदा हुण कोई राज करन वाला जानदा हो तो राजा बनूगा तो फिर रोक आऊगा। हुण जिस तरह मोदी आपां बना तो दिता प्रधानमंत्री, सारा देश ही वेच दिता एक हिसाब दा, इहो हाल जे पंजाब ना आपां नवें कोल तजर्बे करवाउंदे रहे, नवें नूं आपां राज दिंदे आ, भाग दिंदे आ, हथ दिया दिंदे आ, तो उहदे तों आस ते कोई नहीं कीती जा सकदी। एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है, ठीक बात है। आप युवा हैं मित्र, आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिहाज से कोई पार्टी आपको लगता है कि साहब ये तो युवाओं के जो मुद्दे हैं उनको देख रही है या गंभीर है युवाओं को लेकर, जो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है युवाओं में, आपको लगता है कि किसी पार्टी पर विश्वास हो रहा है क्या? पार्टी तो किसी पर भी विश्वास नहीं हो रहा, बाकी
कोई भी जिहड़ा परसन आऊगा अगे चंगा काम करने वाला उहदे ते ही आपां कर सकदे आ। हुण पार्टियां ने नवे चेहरे दिखा रही हैं सारे, कोई भी पुराना चेहरा तो है नहीं, पर काम करने वाला कोई भी नहीं आ रहा अगे। हाँ जी, काम करने वाला नई पुरानी पार्टी में नज़र नहीं आ रहा? नहीं नहीं, सब आपो अपने ते ही आ। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, वोट डालेंगे तब कैसे ये देखेंगे कि साहब ये ठीक है इसको डाल दें? वो जदों कोई अपने इतने कोई चुनाव जाऊगा अगे फिर उदों देखांगे। चलिए, ये कहते हैं कि मौके पर जो चीज़ें होंगी उसको देखेंगे कैसे आगे बढ़ रही हैं और वैसे ही डिसीजन लेंगे। सिंह साहब कैसे हैं आप? तुरे जाते हैं बिजली हैं जी। एक गल दसो सानू कि चुनाव आ गया है, क्या लगता है इस बार खडूर साहब की जनता किसे चाहती है, किस पार्टी को मौका देगी? बदलाव चाहती है जी, अकालियां कांग्रेस तो मन चुका सारा का, बदलाव चाहती जनता। बदलाव से क्या मतलब है, मतलब कौन सी? कोई नवी पार्टी आवे जिहड़ी कोई भला सोचे, कोई किसानों का मजदूरों का गरीबों का सारे का। तो नई पार्टी में से कौन सी ठीक लगती है कि ये तो कम से कम ठीक सोच रही है? नवी पार्टी को नवे उठे ही देने पार्टी, मतलब क्योंकि नई पार्टियां बहुत होगी अब की बार आपके में बहुत होगी, वो तो बहुत होगी। हाँ, आम आदमी पार्टी है, हाँ जो भला करे, TMC है या फिर कैप्टन अमरिंदर की पार्टी है, सुखदेव ढींडसाई पार्टी, पार्टी बहुत पार्टियां बहुत होगी, पार्टी गिनती नहीं हो रही जितनी पार्टियां। कोई लगता है कि ठीक? देखो कोई जो कोई बढ़िया निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो हमारा तो किसानों का तो काम जो है, जो किसान मजदूर जो करते वो करते रहेंगे काम अपना, ठीक है, हमारा तो खेती करके काम चलता है वो, है ना, ठीक है। चलिए वीर जी, समस्या वा ही ना उत्थे साडे ना एक तुहानू फोटो एक देनी आ, साडे उत्थे मतलब गंदगी बहुत ज्यादा आ, वो सरकार उहदे बारे कुछ नहीं कर रही। सरकार सफाई नहीं कर रही? सफाई नहीं कर रही। क्यों बोलते नहीं आप? बोलते हैं, बहुत बोलिया नहीं कर रहे, हाँ सुनते नहीं, कोई सुनवाई नहीं साड़ी। ये तो आपके मुख्यमंत्री अभी जो नए नए बने हैं वो तो कह रहे हैं कि काम बहुत स्पीड से चल रहा है प्रदेश में। नहीं कोई स्पीड में चल रहा है, अभी तो बहुत बार कह चुके हैं साड़ी सुनता ही कोई नहीं, ना कोई सुनवाई हो रही है। क्या लगता है नई पार्टियों में से किसी पर उम्मीद है कि सफाई वफाई करवाएगी? ये तो पार्टियां ही अगे तो पार्टियां सभी देख लिया है। अच्छा, हूँ नवी पार्टी बारे उम्मीद देखो जे पार्टी गाड़ी आँदी आ ये बारे पार्टी नहीं नहीं तो बहुत है। हाँ जी, नई पार्टी हो केंद्रीवाल की पार्टी, केंद्रीवाल जी ये देखो कुछ करती है कि नहीं करती, उसका तो निशान भी झाड़ू है। हाँ, सफाई से मामला? हाँ सफाई से मामला। हाँ इसीलिए आपको पसंद आ रही है? इसीलिए पसंद आ रही है। लगता है सफाई करेंगे? लगता है, बाकी देखो जो आएगी फिर देखो क्या करते हैं। क्या कह रहे थे सर? आवाज आएगी यहाँ झाड़ू वाले की आवाज है? हाँ आवाज, मतलब कैसे आप लोगों को विश्वास हो रहा है मैं ये जानना चाहता हूँ। जैसे देखते हैं कि दिल्ली के काम देखते हैं ना, उसकी तरफ से देख के भी सोचते हैं कि हाँ इधर भी हाँ वैसा काम मॉडल। हाँ हाँ बिल्कुल दिल। हाँ तो बीबी जी कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है, बहुत हो रही है। कल दसो ये चुनाव आ गया है, चुनाव चोन आ गए हैं, अब किसको वोट पाओगे? जो मालिक चाहे। हाँ घर वाले बोल देंगे वहीं पे? नहीं अहीं ते कितियो आए हैं। हाँ साडा ए पिंड नहीं गा। पंजाब के लिए कौन अच्छा है? सारे ही अच्छे हैं साडे, सारे ही अच्छे। चलिए बिल्कुल, कैसे हैं आप? बढ़िया। एक बात मैं जानना चाहता हूँ, चुनाव आ गया है, चुनाव में अब क्या लगता है कि साहब अब की बार जो है किस पार्टी को मौका खडूर साहब की जनता देगी कि ये पार्टी बेहतर है इसका MLA बनना? आम पार्टी। उसके पीछे क्या पसंद आ गया है? आपको लगता हो कि साहब वो जो चीज़ें कह रहे हैं उस पर विश्वास है, या फिर जो दिल्ली में कुछ काम हुआ है वो आपको पसंद आ रहा है, मतलब वो पसंद कैसे आ रही वो पूछ रहे? उनसे बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए आप बताएं सर कैसे हैं आप? बढ़िया जी, ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कि चुनाव आ गया है, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? इस बार आपकी सरकार। आप में क्या खास नजर आया आपको? आपको मौका देंगे एक बार, मौका देंगे, देखेंगे क्या करते हैं वो। अच्छा, उनको भी देखेंगे। 70 साल हो गए हैं इन दोनों पार्टियों को, क्या किया है इन पार्टियों ने,
तो इसलिए बदलाव एक बार करके देखना चाहते हैं लोग, बदलाव चाहते हैं, बदलाव एरकी जरूर लाना है बदलाव। बदलाव के लिए ये चाहते हैं कि बदलाव हो, क्योंकि ये जो पार्टियां हैं इनको ये देख चुके हैं और ये चाहते हैं कि नई पार्टी को मौका मिलना चाहिए। एक मंदु है यहाँ पर चाय बना रहे हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। चाय में उबाल उबाल ठीक आ रहा है? हाँ जी बढ़िया। ये राजनीतिक जो उबाल आ रहा है, राजनीति जो चल रही है, अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं खडूर साहिब वाले? सर इतना तो मालूम नहीं है किसकी बनेगी, आवाज़ तो कांग्रेस की आ रही है अभी तो। कांग्रेस की? हाँ जी सर। हम ठीक हो रहे हैं? बढ़िया हो रहे हैं सर। अच्छा अच्छा हो रहा है, बिजली ठीक हुआ है। अच्छा। सर और भी स्कीमें बहुत पास की हैं। अच्छा। आगे उम्मीद होगी अच्छे रहेंगे। उम्मीद होगी? हाँ सर। चन्नी आए तब से या कैप्टन के टाइम? अरे चन्नी आए तो चन्नी आए जब से। काम ठीक कर रहे हैं? काम अच्छा कर रहे हैं सर। बिल्कुल, क्योंकि जिसको ठीक लगे वो बताए कि क्या ठीक हो रहा है। सिंह साहब कैसे हैं आप? हाँ जी ठीक ठाक वधिया। सेहत ठीक है आपकी? हाँ ठीक है। गल दसो सानू कि ये जो चुनाव आ गए हैं, हाँ जी, इसमें क्या लगता है कि अब की बार किसको मौका देंगे, पंजाब में किसकी सरकार बनाएंगे? यानी वो दूसरे आम आदमी पार्टी वाले बनन। अच्छा। इत्थे दूसरियां सरकारां जो है तो नशा बहुत ज़्यादा वरता रही हैं। ये तो कांग्रेस वाले कह रहे थे हम आएंगे तो नशा खत्म कर देंगे, हुआ नहीं कुछ? पहले करता तो पहले नशा खत्म नहीं होया, हुण कित्थों होना। अच्छा। ते सानू ते सरकार बदली चाहिए, झाड़ू वाले की सरकार चाहिए है, आम आदमी पार्टी वो खत्म कर देंगे लगता है क्या आप? हाँ हाँ वो लगता भी खत्म करेंगे। अच्छा। हाँ जी, ये नशा बहुत ज़्यादा दुनिया से हो गया, बहुत ज़्यादा दुनिया मर रही है। हाँ जी, चाहते हैं अम्मा जी? हाँ जी। इसकी सरकार बने आप क्या चाहते हैं? झाड़ू वाले नी अंकल जी की सुन के कह रहे हैं आप अपने मन की बताए? नहीं माँ यो बस इको गल यो गल जी ते नशे ना करो बंद नशा बंद। आप क्या चाहते हैं? ये भी कहने नशा कौन सी सरकार ठीक है? झाड़ू वाले नी कह दे। स्कूल ठीक है? स्कूल में जाते हो? हाँ जाता। कौन सी क्लास में? दूजी। अच्छा। स्कूल ठीक है? हाँ जी। अच्छी बात है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं ठीक है, उनको स्कूल ठीक लगता है तो इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती। कुछ और जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये जो चुनाव आ गया है क्या लगता है अब की बार किसको मौका देंगे? ये तो परमात्मा ही जानता जी। वोट तो आप डालेंगे, परमात्मा तो वोटर हो जाता है चुनाव में तो। अरे कोई से नहीं पता नहीं लगता कोई से। वोटर भगवान होता है चुनाव में, नेता उसी के दर पे आता है, उससे मिन्नत करता है कि साहब मेरी वोट डाल दीजिए। नहीं वो तो बात ठीक है, बाकी एकदम के हजे माहौल का पता नहीं कोई लग रहा। माहौल बन नहीं रहा है कुछ? नहीं अजे नहीं कोई बन रहा। कब तक बनेगा ये तो वेखो, अपना भी चोणा दे लागे छागे बनेगा ना, थोड़ा और आगे चल गए। हाँ जी चलिए। इनको लगता है कि माहौल जो है अभी बना नहीं, चुनाव आ गया है। क्या लगता है अब की बार खडूर साहिब की जनता क्या चाहती है कि किसको मौका मिले, किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए? काम तो ना कांग्रेस किया ना दूजिया ने किया, अपने आम आदमी पार्टी तो आ सी वह भी गई, MLA उन्होंने सारे भज गए, हूँ फिर लोग अकालिया भजन डे। फिर आप क्या करेंगे? क्या यही है जो लोग चाहते वो तो हो नहीं रहा, फिर जो पहलिया पार्टियां लोग झुक रहे हूँ, आम आदमी पार्टी ने लोगों जिन्हें MLA बनाए ही वो सारे भज गए दौड़ गए, वो अपने MLA नहीं रख सकते, जनता को कितों रखे? माहौल में कैसे उम्मीद है? आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने अकाली को भी देख लिया, आप लोगों ने कांग्रेस को भी देख लिया, आम आदमी पार्टी में भी आप कह रहे हैं कि MLAs रुक नहीं पा रहे हैं, तो फिर बाकी पार्टियां जो बची उसमें चाहे BJP हो, कैप्टन अमरिंदर की एक पार्टी है, सुखदेव ढींडसा की एक पार्टी है, वो तो सारे भगौड़े ही आ, भगौड़े हैं, भगौड़े ही हो गया। अच्छा। तो की आस करा जो दौड़ जाते हूँ, तो फिर लोग अकालिया चुनने मेरे हिसाब से अकाली को चुने। हाँ हाँ जरूर ठीक है, काम कर दें किसानों का तो किया काम बहुत, काम बहुत गरीबों का भी किया, दाल आटा दाल दिता सब कुछ दिता, सहूलत सबसिडिया वैसे तो चाहिए नहीं, सबसिडिया तो हम खराब हाँ, लेकिन एक रिवाज बन गया सबसिडी मैं आ दूँ मैं आ दूँ, ये तो गलत है ना, लोगों को जो बेसिक लोड़ है मुद्दों की वो तो कुछ मिल नहीं रहा, कोई एजुकेशन मिले, कोई हॉस्पिटल हेल्थ का मिले, कोई तो वो तो कुछ नहीं मिल रहा। महत्वपूर्ण है कि एजुकेशन का सिस्टम ठीक हो, अस्पताल ठीक हो, सारी चीज़ें लोगों की जालमान ठीक हो,
सुखी वसन लोग, पर वो तो कोई नहीं ये मैं हज़ार दूँ तो जाना मैं 2000 तो जाना मैं तो एक सब्सिडियाँ भिजाई जाती हैं। कंपटीशन हो गया है, कंपटीशन हो गया को देखते हुए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सिंह साहब आप बताएं क्या लग रहा है, सारी पार्टियां आपस में कंपटीशन में नारे लगा रही हैं, कुछ कुछ कह रही हैं कि साहब ये दे देंगे वोटर को वो दे देंगे, वोटर क्या सोच रहा है कि अब की बार किसकी सरकार? एर की कांग्रेस की सरकार थे, कांग्रेस काम कर रहा चन्नी मुख्यमंत्री गरीबों के जिन्हें बिल माफ करते उन्हें जिन्हों का बकाया रहा बिजली वाले वड खाते तारा तूर व्ढ़िया उन्होंने तारा तूर लवाइया वा इन्हें बेचारे ने दोबारा मीटर लगे हैं, दोबारा मीटर लग गए जिन्हें घर बल्ब जगता उन्होंने कहना ही है चन्नी की सरकार आवे। फिर मन क्या कहता है? मेरा मन आप कहता वा सरकार कांग्रेस की आए। हाँ और कोई ऐसा काम हुआ हो बिल माफ के अलावा आपको लगता हो कि साहब ये कांग्रेस की सरकार ने बेहतर किया ही? अरे कितिया इटा इंटरलॉक कई को काम कर रहा है, वो कर नहीं रहा कड़क गलिया वलिया बन गए। कुछ और लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं। सिंह साहब कैसे हैं आप? मुझे एक बात आपसे जाननी थी कि अब चुनाव आ गया है, क्या माहौल बन रहा है, क्या लगता है कि अब की बार पंजाब का युवा या खडूर साहब का युवा क्या चाहता है कि किसकी सरकार बने? एक्चुअली मैं खडूर साहब से नहीं हूँ, मेरा माझा एरिया है गुरदासपुर। वही मैं कह रहा हूँ कि पंजाब के लिहाज से आपको लगता हो कि ये पार्टी बेहतर है? इस बार तो खिचड़ी बनने वाली है शायद, खिचड़ी किसी को बहुमत नहीं मिली? नहीं, और शायद लोगों का है कि मन तो है कि थर्ड फ्रंट को भी कोशिश करेंगे। अच्छा। क्योंकि काफ़ी सुनने को आया है कि इस बार हम दो पार्टीज के अलावा तीसरे फ्रंट के पास भी पार्टी को मौका देंगे, और क्योंकि अब की बार पार्टी बहुत है, क्योंकि दोनों पार्टीज ने जो हमारी दोनों पार्टीज हैं उन्होंने ज़्यादा कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं किया अभी तक, है ना, तो जो भी इसलिए लोग पार्टी को मौका देना, तो बाकी ये समा बताएगा कि क्या कौन की पार्टी चुनाव चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हवा है ना, कौन सी पार्टी लास्ट में क्या अपनी चाल चल जाए या कुछ ऐसी चीज़ दे जाए लोगों को, हवा हो जाती है लास्ट में जाके एक दो हफ्ता पहले पता चल पाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वक्त लगता है और वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पता लगेगा। सिंह साहब कैसे हैं आप? बढ़िया है। मुझे ये बताएं क्या राजनीतिक माहौल बना रहे हैं अब की बार किसकी सरकार? वो ना पूछिए। हाँ उथल पुथल होएगी, उथल पुथल। हाँ नहीं नहीं आएंगे वो मत पूछिए। अच्छा। हाँ, हम नहीं बोलेंगे अपने जुबान से नहीं बोलेंगे। अच्छा। हाँ जी रहना यहाँ पर। अच्छा। ये बात है। वो काम नहीं करता है। ठीक है चलिए कुछ और लोग हैं उनसे पूछते हैं। सिंह साहब कैसे हैं आप? ठीक है। आप बताएं सर क्या हो रहा है उनमें, क्या देखते रहते हैं? है दिल्ली का प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा कुछ ये किसान तो आपके जीत के आगे हैं है ना, तो अब ये बताएं मुझे अब ये चुनाव भी आ गया साथ की साथ, तो अब की बार क्या सोच रहे हैं? सोच रहे जो किसान कहेंगे वही सोचेंगे, किसान कहेंगे वो करेंगे, वो करेंगे जिसको कहेंगे उसको डालेंगे। अच्छा। कोई पार्टी ऐसी लगती है क्योंकि पार्टी अब की बार बहुत है, पहले तो थोड़ी पार्टी होती थी अब की बार तो पार्टी बहुत है, तो लगता है कोई पार्टी की ठीक ठाक है? पार्टी कोई भी ठीक नहीं है, फिर जो जो किसान यूनियन कहेंगे उसको डाल देंगे वोट, किसान यूनियन जो कहेगा वही, और जिसको कहेंगे झाड़ू वालों को कहेंगे कांग्रेस को कहेंगे कालियों कहेंगे जिसको कहेंगे डालेंगे उनको। ठीक है बिल्कुल। सिंह साहब कैसे हैं आप? चाय की चुस्की के साथ ये बता दें कि राजनीतिक माहौल क्या बन रहा है? राजनीतिक माहौल तो आजकल बहुत ही खराब हो गया। अच्छा। किसी पार्टी का कोई तबार नहीं रह गया। हाँ जी, तो अब की बार तो ऑप्शन भी बहुत हैं, पार्टियां भी बहुत आई आपके पास? बहुत है, पर जितने किसान बोलेंगे ना उतने वोट हम पाएंगे। अच्छा। हाँ जी, मतलब किसानों की भूमिका अब भी रहेगी, जब मामला सुलझ गया तब भी रहेगी। हाँ हाँ, जिधर बोलेंगे उधर करेगा वोट पाएंगे जी, जिधर भी बोलेंगे। ये बात भी ठीक है, और क्योंकि किसानों की भूमिका कम नहीं है, किसानों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाँ जी क्या चर्चा चल रही है, किसको बना रहे हैं, किसको असी चन्नी साहब? हाँ। चन्नी साहब ने तरजीह दे रहे हैं। अच्छा। हाँ और किसी को नहीं, ठीक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें देखो जी, सब तो पहला उन्होंने बिजली जड़ी आ एकदम पिछले जड़े जिन्हें मतलब बकाए से वो माफ़ किए, बहुत सब तो बड़ी सता। ठीक है,
पहली बार चीफ मिनिस्टर जो बने उन्होंने सब तो वही सोच उस तो बाद बिजली जी सस्ती की 3 रुपये ये बहुत वधिया सीधा बेनीफिट जोड़ा वा हरेक ने पहुँचा जिथे कास्ट का कोई संबंध नहीं इस करके सब तो वधिया सुखबीर सिंह ने बादल ने जो मतलब 200 जून की माफ़ी की बाद च किलोवार की शर्त लाती इस करके उस नहीं प्रैफर करते उस तो बाद सुखबीर बादल ने साडे खजाने जो जिस शिमले हिमाचल के जिस स्कूल पढ़ता सी 1 करोड़ रुपया दान किया उन्हें अपनी कमाई चो क्यों नहीं किया कराली किन्ने हज़ार एकड़ जमीन खरीदी है नवा चंडीगढ़ में पुराने चंडीगढ़ में की हो गया सी बहुत इलीगली केस खेत एग्रीकल्चर जमीन जी सी दूजे पासे लाया गबदाले वाली जेल पुरानी जेल मरम्मत करते किन्नी एकड़ जमीन नाम बनाम उन्हें खरीदी नवी जेल बनाने की लड़ की सी इस करके उन्हें नीतियां जड़ियाँ बहुत माड़िया सी तो सारी चीजें याद कर रहे हैं लगता है नेता जी, जी, नेता हो आप हां जी नेता तो नहीं हो और किसी एमएलए ने नए एमएलए बने उन्होंने मिनिस्टर ने बच्चे बने उन्होंने नॉलेज नहीं की मैं ये कह रहा हूं आप या तो नेता हो या फिर आप नेता ही तैयारी करो आप मैं हां जी हां आप बताएं भाई साहब क्या चल रहा है ये क्या बात है मुझे ये नहीं समझ में आया ये पंजाब में एक नया सिलसिला मैं देख रहा हूँ काफी जगह जाता हूँ कोई बोलते नहीं है ये इनकी तरफ उंगली कर रहे हैं वो उनकी तरफ उंगली हाँ आप बोले बताए छोड़ दो अगर आप लोग ना हो आप लोग चैनल वाले मोदी कभी जीत नहीं सकता है कभी नहीं जीत सकता मोदी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया वहाँ हमने जाना है वो अमीर लोग जाएंगे ठीक है जी हाँ दूसरी बात है उसने कौन सा काम किया है सिलेंडर 400,000 तक कर दिया पेट्रोल को आग लगा दी के पास अब मौका है जो आदमी ठीक काम नहीं कर रहा जो पार्टी ठीक काम नहीं कर रही उसको हटाए नए को लेकर आए जो उनके मैं तो ऐसे ही दिखाऊंगा जैसे बात भी दिखाऊंगा जो आप कह रहे जो बोल रहे हैं आप काट के उनको नेता बनाया नहीं 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 ना मोदी का चक्कर है ना साहब और किसी का चक्कर एक मिनट मुझे ये बताएं बस क्लियर सेंटर में भाजपा की सरकार है ठीक है जी जो नेता होते हैं वो पब्लिक के लिए होते हैं ना कि खुद के लिए नहीं होते हैं उनको हमने जिताया है देश के लिए जिताया है ना कि वो खुद ही अपनी मन मर्जियाँ करें वही तो मैं कह रहा हूँ आज फिर उन्होंने किसानों के साथ धोखा किया है आज के अखबार देखो धोखा यह है वो तोमर कर रहा है अखबार के मुताबिक मैं पूरी डिटेल तो नहीं पढ़ी है कि किसानों को वो लिमापोजी करके उनको तोड़ दिया है उनके ऊपर जो मुकदमे आज के अखबार पढ़ो जाके बनी मुकदमे अभी छूड़े नहीं है कमेटी बनाई वो कमेटी चलेगी अब मुझे याद नहीं एक दो और भी काम थे जो इन्होंने गड़बड़ की थी चलो कोई बात नहीं वो पूछ लेंगे आपसे एक मिनट मेरी भी तो सुन लो ना एक मिनट नहीं सुनता अभी सुन रहा हूँ वही तो कह रहा हूँ अब ये बता दें सारे स्टेटों में हमारे तो चलो मान लो कणक जो है वो 1800 में चलती है हैं दूसरी स्टेट में वो अंधे हैं कि वहाँ पर एमएसपी के डाउन जाती कोई 800 है कहीं 1200 है वो मंत्री अंधे हैं उनको दिखता नहीं है तो एमएसपी क्या हो रहा है आपके क्या बिक रहा है किस रेट में बिकती है आपके धान 2100 ये कह रहे हैं कि पराली जलाते हैं यहाँ 500 किलोमीटर से जाती है उसका धुआं हरियाणा उसमें बीच में नहीं आता है जो तमाम मुद्दे हैं चुनाव में कोई पार्टी आपको लगता है कि कुछ उठा रहा है जो 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर है उधर धुआं नहीं 500 किलोमीटर का धुआं जा रहा है बात सुनो उनकी बात लगता है नेता हो गए अब साहब पूरी हां बोल के हां पूछो मैं इसलिए पूछ रहा हूं आप मुझे ये बता दें टोटल में क्योंकि लंबा चल जाएगा मामला कि अब चुनाव आ गया है ठीक है चुनाव मैंने बताया वो समय है जब आप कोई काम नहीं करे तो उसको बदल दो कोई दिक्कत नहीं जो काम करता दिखे उसको लेकर आओ अब किसको बनाएंगे वो बहुमत किसी को नहीं मिलेगा वो पहले वाले मोदी भूल जाए वैसी बात बता दी आपने वो बता नहीं रहे मन के अंदर वाली हाँ अंदर वाली ये है वो भूल जाए वो पहले मंत्री की मन की बात सुन रहे हैं आपने मन की बात 300 वोटों वाला वो काम भूल जाए अब आप बताए साहब क्या चाहते हैं हम क्या किसकी सर सीधा नहीं बननी चाहिए मोदी को क्योंकि तो सेंटर में है यहाँ पे बीजेपी को आप ये कह रहे हैं कि नहीं तो बिल्कुल नहीं बननी चाहिए उनके अलावा जो पार्टी है उनको लेकर क्या स्थिति हमारे तो यहाँ कांग्रेस अकाली दल ही आते थे कांग्रेस और अकाली टक्कर है इस टाइम हाँ कांग्रेस अकाली दल की टक्कर होती है आम पार्टी की देखो क्या बनता है नहीं पता देखो अभी
मालूम नहीं वो क्या बनेगा आगे। चलिए आप बताएं बाबा, आपने बता दिया, अच्छा उनसे पूछते हैं। जीएसटी जारी है, क्या बना उसका? आप तो हट हट के मुद्दे याद आ रहे हैं आपको, सारा दिन लगाना पड़ेगा आपके साथ। लीडर हो लीडर, ये बता दिया अंकल जी ने मेरे को, नेता बोर बैठ डेली जा रहा है जी। आप बताएं क्या चाहते हैं, किस किस एक मिनट। हाँ नहीं छोड़ेंगा, दिल्ली वाले कहते सड़कें हमने बनाई, पंजाब वाले कहते सड़कें हमने बनाई, जबकि हम टोल प्लाजे दे रहे हैं, आप 50 की बजाय 90 रुपये देंगे, हमारे पैसे से बन रही है, ना सेंटर बना रहा है ना पंजाब बना रहा है, हम पैसा दे रहे हैं टोल प्लाजों पर। आप ही तो वो ताकत हो साहब जिसके आगे अब आगे पॉलिटिकल पार्टी झुकेंगी, पर आप मन की बात नहीं बता रहे हैं वोट किसको। मन की बात ये बात अब भी नहीं बताएं। मैं तो ये कहूँगा कि मोदी दोबारा। चलिए एक बात बताएं वीरे, क्या चाहते हैं आपकी बार किस पार्टी की सरकार? इस बार थोड़ा बदल के आना चाहिए। बदल के मतलब क्या? मतलब कोई और पार्टी आनी चाहिए, चाहे किसानों की चाहे कोई और। अच्छा किसान तो कह रहे हैं कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, वो जिसकी भी सपोर्ट करेंगे उसी को मान लेना चाहिए, किसान जो कहे वो मान लें। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। हाँ भाई कैसे हैं? ठीक है। चलिए वो सिंह साहब बैठे उनसे बस पूछ लेते हैं। सिंह साहब कैसे हैं आप, बताएं आप कैसे हैं? हाँ जी, मुझे ये बताएं चुनाव आ गया है, क्या लगता है माहौल क्या बनेगा? माहौल अकाली दल का बनेगा। अच्छा, क्या सही किया है जो लगता है कि अकाली दल सही है? शोर काले बाल। ठीक है साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ अकाली दल ने क्या बेहतर किया है, आपको लगता है कि उनको आना चाहिए? बेहतर जो बयान कर जो मैंने करते ना अपना जो करते हैं गड़बड़ करते हैं वो पूरे उतरते हैं। अच्छा, वो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं, आप ये कह रहे हो? पूरे। अच्छा, इसीलिए अकाली है। साल हो चुके हैं आज, 5 साल के अंदर रमन जी सिक्की है जो ना हल्के के अंदर है, जो एक बार इधर नहीं आया है। ब्रह्मपुरा सरदार ब्रह्मपुरा इधर रहे थे ना, उन्होंने हॉस्पिटल दिया है, ये सब डिपार्टमेंट उन्होंने किया है। अच्छा। जितना भी खडूर साहब के अंदर किया है, एक भी काम जो किया होगा ना रमनजीत सिक्की ने किया होगा, कोई भी काम, एक भी काम दिखा दीजिए, एक भी काम नहीं किया, नहीं किया है। अच्छा। अभी तक ये बाजार के अंदर नहीं आए, अब चुनाव आओगा ना आपके सामने देखना, वो फिर आएगा। चुनाव में तो सब आते हैं, वो भी आए। देखिए ब्रह्मपुरा था, देखिए मैं तो कोई का किसी का लीडर नहीं, मेरी दुकान है जी, किसी पार्टी के अंदर नहीं हूँ। जो करवा था आप स्पष्ट बात बताएं, ठीक है ना? जो काम हुए है, आप कोई भी काम हॉस्पिटल देख लीजिए, ठीक है ना? अभी वो अपना चलो सरकार को छोड़ चुका है, अकाली दल को छोड़ चुका है ब्रह्मपुरा, इसलिए डॉक्टरों की कमी है, लेकिन जब तक वो था ना इधर सरकार में बने आप, मैं ब्रह्मपुरे का बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ब्रह्मपुरा ने काम करवाया, अकाली के वो विधायक होते हैं। ठीक है ठीक है, हाँ अकाली सरकार में काम हुआ है। चलिए तमाम राय आप लोगों ने सुनी, लोगों ने बताई कि किस तरीके से वो अलग अलग पार्टीज़ को पसंद कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है और क्या वजह है। खैर देखिए चुनाव आएगा तब पता चल पाएगा कि क्या राजनीतिक हवा चलती है, माहौल क्या बनता है। मगर आपको इसी तरीके से हम किसी और हलके में लेकर चलेंगे और वहाँ के लोगों से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि वहाँ राजनीतिक माहौल क्या है।